लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एचएमए ग्रुप पर आईटी की रेड 100 घंटे बाद खत्म हो गई है। आपको बता दें कि रेड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आगरा में अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट सरेंडर हुआ। ग्रुप ने 100 करोड़ की अघोषित आय को सरेंडर किया है। बता दें कि प्रॉपर्टियों के कागजात समेत कई सबूत साथ ले गई है टीम। जांच के बाद और कसेगा एचएमए ग्रुप पर शिकंजा। बड़ा मीट कारोबारी है जुल्फिकार अहमद भुट्टो। बता दें कि पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ग्रुप पर कार्रवाई हुई है। जांच के बाद और कसेगा एचएमए ग्रुप पर शिकंजा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है एचएमए ग्रुप पर रेड मारी गई और उसके बाद इसमें तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है, 100 करोड़ की अघोषित आय जो है वो सरेंडर की गई है, क्या जानकारी है? ऐसे देखिए, बिल्कुल इस तरह से 5 नवम्बर को यह घटना, ये रेड डाली गई थी। आईटी ने जुल्फिकार अहमद भुट्टो, जितना की एचएमए ग्रुप है, बहुत बड़े मीट कारोबारी है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में तकरीबन तीसरे नंबर पर माना जाता है कि तीसरे नंबर के पर वो आते हैं व्यापारियों में। वर्ल्ड में जानी मानी कंपनी है, कई देशों में इनका एक्सपोर्ट होता है और मीट के कारोबार, काफी बड़ा कारोबार इनका फैला हुआ है। आगरा ही नहीं, आगरा के साथ अलीगढ़, मेवात और मुंबई, महाराष्ट्र, केरल जैसे तमाम जगह पर इनके स्लॉटर हाउस है। एक साथ 35 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। 5 नवम्बर को सुबह 8 बजे कार्रवाई की गई और तकरीबन 100 घंटे के बाद ये रेड खत्म हुई। और आगरा में इनकी जो कुल मिलाकर एचएमए ग्रुप की अभी तक अघोषित जो अवैध रूप से कम 100 करोड़ रुपए की, जिसके बारे में, जिस कंपनी का, जिस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता पाए, 100 करोड़ रुपए के सरेंडर का होने का अमाउंट यहां सामने आया, जो कि आज तक के इतिहास में आगरा में सबसे बड़ा अमाउंट है। 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय यहां पर सरेंडर की गई है। और यही नहीं, तमाम प्रॉपर्टी के और फार्म हाउस के कागजात भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने साथ लेके आए। माना जा रहा है कि आगे इसमें जांच जारी रहेगी, एक बड़ी कार्रवाई और इसमें दोबारा होगी। लेकिन जिस तरह से 100 करोड़ रुपए सरेंडर किए गए, ये बहुत बड़ी बात है। जुल्फिकार अहमद भुट्टो 2007 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुए थे और पहली बार वो विधायक बने मंटो और छाबड़ी विधानसभा क्षेत्र से थे वो। लगातार उनकी जिस तरह से काम फैलता जा रहा है, काफी बड़ा काम है। पहले से ही माना जा रहा था कि इनकम टैक्स की रेट जब एक साथ 35 ठिकानों पर हुई है, तमाम उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की गई, तमाम बैंकों के दस्तावेज, उनके जो सर्वेंट थे उनके सर्वेंट के खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन था, जबकि वो जो उनके कर्मचारी हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से टैक्स को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए थे और उसी का नतीजा है कि इनकम टैक्स ने लगातार इन पर नजर बनाए रखी और 100 घंटे की जांच के बाद 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय यहां पर साफ तौर से देखी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि आगे भी इस पर कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल रेड खत्म हो गई है और इनकम टैक्स के अधिकारी वापस जा चुके हैं। जी बिल्कुल, इसमें देखिए अजय, तो तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना बड़ा यहाँ पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि क्या इसके अलावा और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं या कोई और कंपनी इसके टच में है जिन पर यह छापेमारी की कार्रवाई की जा सकती है, क्या किसी तरीके की कोई बात कही जा रही? देखिए, ऐसी जिस तरह से जो इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल साफ तौर से ऐसा नहीं कि एकदम आकर ही यहाँ ये कार्रवाई करते हैं। पहले से ही कहीं ना कहीं टारगेट पर ये रहते हैं और टारगेट को अपने रखते हैं और लगातार उस पर नजर बनाए रखते हैं। उसके जो खाते का लेन देन से लेके जहां जहां बिल का बिलिंग कट रही है, सेल टैक्स या जीएसटी के जो भी बिल होते हैं उनके बिल के आधार पर कितनी सेल आ रही है, कितनी परचेजिंग आ रही है, तो पहले ही माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जो टैक्स है, जीएसटी है, जो जीएसटी के अंतर्गत तमाम इनकम को दिखाने के लिए जो टैक्स भरा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं हेरा फेरी की गई है। ये पहले दिन से ही हम के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं कि 5 नवंबर को सुबह 8 बजे जुल्फिकार अहमद भुट्टो जो कि बसपा के पूर्व विधायक थे, उनका ग्रुप है एचएमए ग्रुप, इनके तमाम भाई और ये लोग जुड़कर कारोबार करते हैं। बड़ी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है, हजारों की संख्या में इनके यहाँ पर लोग काम करते हैं। और आगरा ही नहीं, पूरे इंडिया में तमाम जगह पर इनके स्लॉटर हाउस है, चाहे महाराष्ट्र हो या अलीगढ़ हो या हरियाणा हो, तमाम जगह पर इनके मीट का बड़ा कारोबार है। कई कंटेनर यहाँ से डेली जाते हैं एक्सपोर्ट होने के लिए। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो कई कंट्रियों में इनका मीट का कारोबार काफी बड़ा कारोबार है और
जिस तरह से ये कारोबार था, जिस तरह से यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई, बिल्कुल माना जा रहा था कि करोड़ों रुपए की यहाँ हेराफेरी की गई होगी। 40 करोड़ रुपए तक की बताया जा रहा है, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि अपनी बेटी की शादी में 40 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। और बड़ी बात थी क्योंकि अखबारों ने साफ तौर से यहाँ कहा कि बेटी की शादी में 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं इनकम टैक्स पहले से ही निगाह घड़ाया हुआ था और इनकम टैक्स की जांच में अभी तक 100 करोड़ की अघोषित आय सरेंडर हुई है और उसके बाद उसके साथ साथ तमाम प्रॉपर्टीज के कागजात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अपने साथ लेकर गई है और उसकी भी जांच कराई जा रही है। पाकिस्तान से उनके भाई के पाकिस्तान का कनेक्शन कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि उनके मोबाइल में पाकिस्तान की किसी व्यक्ति से चैटिंग लगातार रोजाना ही मिली है, लेकिन वो व्यापारिक है या किस तरह की, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर इनकम टैक्स की रेट खत्म हुई है, 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय यहाँ सरेंडर की गई है, प्रॉपर्टी के कागजात की जांच की जा रही है, अगर यहाँ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरेंडर कराएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अजय दा तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि रेड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आगरा में अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट सरेंडर किया गया है।